हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी प्यारे साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं विवेक कुमार, यूवी कॉम्पिटिशन्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, रोजाना की तरह मैं लेकर हाजिर हूँ डेली करंट अफेयर्स जी के, जो कि आपका इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में अपडेट्स है। मेरे प्यारे साथियों, आज 6 जून 2019 के करंट अफेयर्स की हम बात करते हैं। साथियों, डेली करंट अफेयर्स के लिए यदि आपने हमारा चैनल यूवी कॉम्पिटिशन्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूवी कॉम्पिटिशन चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे द्वारा दिए गए अपडेट्स के नोटिफिकेशन मिलते रहे। इसके साथ ही साथ मेरे द्वारा राजस्थान जीके और मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए अनअकैडमी ऐप पर मुझे फॉलो करें। अनअकैडमी ऐप पर फॉलो करने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए साथियों, शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स क्वेश्चन संख्या 1 से। इंटरनेशनल डे इज सेलिब्रेटेड फॉर अपोजिंग इलीगल अनलॉफुल एंड इरेगुलर फिशरीज, अवैध गैरकानूनी और अनियमित मत्स्य पालन के खिलाफ विरोध हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए 4 जून को, ऑप्शन बी 5 जून 5 जून को, ऑप्शन सी 6 जून 6 जून को, ऑप्शन डी 10 जून 10 जून को। तो साथियों, इसका सही उत्तर है 5 जून को, और 5 जून को ही विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और इस बार विश्व पर्यावरण दिवस का थीम था हवा आने दे। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 2, इंडिया इज द प्लेस ऑफ ग्लोबल जेंडर इक्वेलिटी इंडेक्स, वैश्विक लैंगिक समानता सूचकांक में भारत का स्थान है। ऑप्शन ए 99th 99वां, ऑप्शन बी 90th 90वां, ऑप्शन सी 93वां और ऑप्शन डी 95 यानी कि 95वां। साथियों, बात की जाए वैश्विक लैंगिक समानता सूचकांक के बारे में, तो 129 देशों के ये प्रतिस्पर्धा हुई थी, जिसमें भारत को 95वां स्थान मिला था। भारत के साथ साथ चीन को 74वां और पाकिस्तान को 113वां स्थान मिला। इसमें गरीबी, स्वास्थ्य, शिक्षा, साक्षरता, राजनीतिक प्रतिनिधित्व और कार्यस्थल पर समानता जैसे पहलुओं पर विचार किया गया था। तो साथियों, इसका सही उत्तर है डी, ऑप्शन डी 95वां। क्वेश्चन संख्या 3, विच कंट्री हैज टॉप्ड द ग्लोबल जेंडर इक्वलिटी इंडेक्स, वैश्विक लैंगिक समानता सूचकांक में किस देश को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। ऑप्शन ए डेनमार्क को, ऑप्शन बी इंडिया यानी कि भारत को, ऑप्शन सी नेपाल को, ऑप्शन डी बांग्लादेश को। इसका सही उत्तर है ए डेनमार्क को। नेक्स्ट, सऊदी किंग सलमान बिन अब्दुल होस्टेड वाज सबमिटेड ऑफ इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन हेल्ड इन मक्का इन सऊदी अरबिया। सऊदी किंग सलमान बिन अबुल ने सऊदी अरब के मक्का में आयोजित इस्लामिक संगठन के कौन से शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। ऑप्शन ए 11th 11वें, ऑप्शन बी 12th 12वें, ऑप्शन सी 13th 13वें, ऑप्शन डी 14th 14वें। और इसका सही उत्तर की यदि बात की जाए तो 14वें शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 5, द हाईएस्ट ऑनर इन मलयालम सिनेमा इज गिवन टू द एक्ट्रेस हु हैज रिसीव्ड द डेनिस अवार्ड। मलयालम सिनेमा में सर्वोच्च सम्मान जेसी डेनिस यस पुरस्कार किस अभिनेत्री को दिया गया है। ऑप्शन ए जयललिता, ऑप्शन बी शीला जेसी, ऑप्शन सी अन्नपूर्णा, ऑप्शन डी तबस्सुम। और इसका सही उत्तर की बात की जाए तो शीला जेसी, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक क्रिकेट वर्ल्ड कप द इंडियन चैलेंज। क्रिकेट वर्ल्ड कप द इंडियन चैलेंज नामक किताब के लेखक कौन है। ऑप्शन ए टॉम हेडसन, ऑप्शन बी विराट कोहली, ऑप्शन सी आशीष नेहरा, ऑप्शन डी आशीष रे। और इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन डी आशीष रे। साथियों, मैंने क्वेश्चंस का आंसर दिया हुआ है, आंसर्स यानी कि ऑप्शन फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन बी आंसर सही है।
सेकेंड क्वेश्चन का ऑप्शन डी, थर्ड क्वेश्चन का ऑप्शन ए यानी कि डेनमार्क, फोर्थ क्वेश्चन का ऑप्शन डी 14th, फिफ्थ क्वेश्चन का शीला जेसी ऑप्शन बी, और सिक्स क्वेश्चन का डी आशीष रे। तो मेरे प्यारे साथियों, ये थे आज के मुख्य समाचार जो कि आपका करंट अफेयर से सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब यूवी कंपटीशन चैनल, और साथ ही साथ हमें अनअकैडमी इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।